What's up everybody, welcome back to my channel Pages by Sakshi Patel. If you haven't liked, shared and subscribed my channel then please do all of these things, it matters me a lot. और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर आप ये अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो, इसलिए मैं अपने फ़ोन में आपको ये चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को कर सकते हो. ठीक है, अब ये जो पेपर्स है ये ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके जो आंसर्स है वो भी आपको मिल जाएंगे और आप सिर्फ आपको एक काम करना है कि इसको नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करो, बिकॉज इट मैटर्स अलॉट कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो वही चीज़ एग्जामिनेशन में रिपीट कर जाती है. ओके, क्योंकि जो सिलेबस है वो तो स्टैग्नेंट है ना, मतलब कि वो तो कॉन्स्टेंट है, भले चेंज हो रहा है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ नया चीज़ ऐड कर दिए, वही है. तो ये आप iOS हो या फिर चाहे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो, किसी में भी इस चीज़ को कर सकते हो. तो चलो ओपन करते हैं. सबसे पहले हमको चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल खोलो. ओके, नाउ गूगल में आपको टाइप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर UGC नेट एग्ज़ाम सोशियोलॉजी. ओके, तो जैसे ही आप इस चीज़ को ओपन करेंगे तो आपको जो सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे आपको मिलेंगी चीज़ें. हाँ, ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला को मैं नहीं बोल रही हूँ, सेकंड वाले को बोल रही हूँ. UGC नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन सोशियोलॉजी फ्री ऑनलाइन NTA UGC नेट. ठीक है, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये बहुत सारे, देखो पहले क्या होता था कि सोशियोलॉजी दो पेपर में होता था, पेपर टू पेपर थ्री, है ना, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. पेपर टू जो है वो यूनिट फोर तक के उसमें क्वेश्चंस हैं और यूनिट फाइव से लेकर लास्ट तक, जो अभी नया हमारा सिलेबस है, यूनिट फाइव से लेकर टेन तक जो है ये पेपर टू में मिलेगा. तो इसमें दोनों पेपर्स दिए हुए हैं, पेपर टू और पेपर थ्री. आपको जो जो लग रहा है आप वो सॉल्व करते जाओ और उसके नीचे में, चलो मैं एक पहले ओपन करके आपको दिखाती हूँ. या तो ये 2012 का दिसंबर UGC नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन सोशियोलॉजी पेपर टू. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उनके आंसर्स भी देखो आप दिए हुए हैं यहाँ पर. हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो आंसर है मैक्स वेबर. ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 50 क्वेश्चंस होंगे आई गेस जो आपको दिए हुए होंगे. अब हम करने वाले हैं और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो है कि पेपर वन के लिए कैसे करें. तो UGC नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर वन, तो यहाँ पर आपको 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, मतलब आपको ढेर सारे 2019 जून पूरे के पूरे मिल जाएंगे. ओके, तो चलो यहाँ पर करके दिखाती हूँ मैं ओपन, वन सेकेंड. हाँ, तो ये देखो, ये आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स ये रहे जो आपको मिल जाएंगे. ठीक, तो यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, आंसर्स भी दिए हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसा भी मत करो कि पहले आंसर्स मत देखो और मतलब कि जो पेपर्स है उसे सॉल्व करते जाओ, रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर्स देखो, नहीं बन रहा है उसको हटाओ, आगे बढ़ो और ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स करते जाओ. ये लिंक मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे थे तो लोगों को बन नहीं रहा था कि किस तरीके से उसमें से ओपन करें, फिर अलग से आंसर शीट को खोलो, फिर वहाँ पर से रिस्पॉन्स आंसर की खोलो, उसके बाद आंसर्स जानो, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन वॉज देयर. तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग को बता दिया जाए. और वैसे भी जब मैं कल लाइव आई थी तो लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि लिंक्स प्रोवाइड कर दो और मैसेजेस भी आए काफ़ी, तो मुझे लगा नहीं यार अब तो कम से कम मुझे आप लोगों के लिए बना देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अब काफ़ी कम टाइम है एग्जामिनेशन के लिए. तो कम से कम पुराने पिछले 5 साल के एटलीस्ट, है ना. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जून 19 का ही करना है, जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है उसमें आप लोग खुश रहो. ठीक है, वैसे तो इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर हैं लेकिन कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो क्योंकि वही पूछा जाता है. ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, तो कम से कम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसे सॉल्व करने भिड़ जाओ. अब इस समय ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि हमें क्वेश्चन पेपर तो मिल गए लेकिन हमें इस
इस महीने का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है या फिर इस डेट का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, इसी में खुश रहो कि क्वेश्चन पेपर्स मिल गए हैं, आंसर्स मिल गए हैं, अब हमें रैंडमली सॉल्व करते जाना है और नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में, और इन्हें करने के बाद असली जो चीज़ है ना कि कितनी थ्योरी पढ़ी है या फिर कितने पानी में हो, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसे पहले करना चालू करो और उसके बाद अगर ये अच्छा लगे तो मुझे लिख कर बताओ कि हाँ इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट, या फिर और भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको चाहिए। वैसे तो यही सेम चीज़ सोशियोलॉजी के अलावा कोई और आप सब्जेक्ट टाइप कर दोगे तो उनके ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएंगे। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर आप बता सकते हैं।